अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्रा इमरान और आप देख रहे हैं ख़ानदानी विरसा। जी जनाब, मक्का की रहमतें नेमतों के बाद आप मदीना आ जाएं और हमारे साथ मस्जिद नबवी के नज़ारे भी अब लूट लें। हम देखने जा रहे थे मस्जिद नबवी, जुम्मे का हमारा दिन था और काबा से यहाँ आने की थकन भी थी और सुबह सुबह उठ के हमें 10 बजे आना पड़ा क्योंकि पता चला मस्जिद में जगह नहीं मिलती। तो ये था 316 नंबर गेट और हमारा जो रोड था ये काफ़ी ये ब्रॉड था। और जी, तो 316 नंबर गेट से हमने एंट्री ले ली थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मक्का में मैं बारिश मांग के आई थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर की काबा की बारिश दिखा दें प्लीज़। तो उधर से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड होके आई थी और बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप अभी मस्जिद नबवी की ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई लाइक अम्ब्रेला देखें जो बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह लग रही होती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको इस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जो तड़प रखते हैं, जिनके वसाइल नहीं हैं, जिनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए और जल्द से जल्द घर में आएँ और गुंबद खजा देखें। मस्जिद नबवी आमीन सुम्मा आमीन। तब तक आप दुरूद सलाम पेश करें। ऐसा बाप मुस्तफा, ऐसा बाप मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। बस जैसे जैसे तड़प रखने वाले गम के मारे दुरूद सलाम पेश करते हैं, उनकी आंखों में से आंसू तड़प से अकीदत से निकलते हैं कि कहाँ हम गुनहगार और कहाँ हमारे प्यारे नबी का दर। और हम इतने नज़दीक आ चुके हैं, हमारा जिस्म, हमारी आंखें, कुछ भी मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अभी तक इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ। मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा बस कि मैं कहाँ इतनी गुनहगार और अल्लाह ताला ने मुझे लाखों में से चुना, हज़ारों में से चुना। और अल्लाह ताला बस हमें अपने पसंदीदा लोगों में रखें और हमें उस रास्ते पे चलाएं जिस पे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चले हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके जैसा बनने की। और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर था, फनूस, और ये एसी लगे हुए हैं। ये जो मिनारेट्स थे पिलर्स गोल्डन तरह के जो नज़र आ रहे हैं, ये एसी हैं, इसमें ठंडी हवा आ रही थी। और ये लकड़ी के बहुत ही प्यारे जो डोर बने होते हैं जहाँ से एंट्री मिलती है फीमेल्स को। फ्रंट हिस्सा सारा मेल के लिए है और जो पिछली साइड है मस्जिद की वो सब फीमेल्स के लिए है। और वॉशरूम भी फीमेल्स के लिए मोस्टली पिछली साइड पर ही है, फ्रंट पर नहीं। जैसे ही जुमा ख़त्म हुआ और मैं बाहर चुंदियाई हुई आंखों से थकन के साथ बाहर आई, तो यकीन करें जो मैं काबा में मांग के आई थी 12 से 24 घंटे के बाद मेरी वो दिली मुराद दुआ पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मेरी आंखों पे, मेरे फेस पे बारिश के वो कतरे बरसाए जो मैंने मदीना में देखने थे। और ख़ुशी से और वो तड़प से वो आंसू थे कि अल्लाह ताला मैंने मक्का में मांगा पर मुझे आपने मदीना में दिखा दिया। इतनी ठंडी हवा, बादल, और आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, अपने उन उठे हुए हाथों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बारिश मांगी थी और अल्लाह ताला आपने मुझे बारिश दिखा दी। तो बहुत ही खूबसूरत समा था, लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। जो भी देख के जाते हैं हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुद दिखाए, आप खुद आएँ और ये रहमतें बरकतें समेटें। ऐसा बाप मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा बाप मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा बाप मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा बाप मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। सबा मुस्तफा।
मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं सबा, मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते सबा, मुस्तफा से कह देना।